सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे वी हैव समीर विद अस। तो समीर कहाँ से हो आप? मैं देहरादून से हूँ। आप देहरादून से हो? और रियली ग्रेट। तो अकेडमी में कितना टाइम हो गया? पहला सवाल। ऑलमोस्ट वन ईयर होने वाला है। ऑलमोस्ट वन ईयर। तो अभी सिलेक्शन कहाँ हुआ? अभी फ्लीट मैनेजमेंट। फ्लीट मैनेजमेंट। तो अगर एक साल हो गया तो यानी तुमने JMDI के साथ साथ ग्रो भी किया होगा और JMDI ने भी ग्रो किया होगा। सो बात करते हैं कि जब आए थे तब और जब अभी सिलेक्शन हो गया, तो क्या चेंजेस आप पहले अपने आप में देखते हैं फिर JMDI की बात करते हैं? पहले तो खुद एक तो इन्फॉर्मेशन थी नहीं, अच्छी नॉलेज थी नहीं। ट्वेल्थ के बाद एग्जाम्स दिए, IMCT आता पहले तो मुझे लगा इस पर एग्जाम दूंगा, पास हो जाऊंगा, कॉलेज मिल जाएगा। ग्रेट। फिर मैंने कहा काउंसलिंग में डाल देता हूँ, तो काउंसलिंग में डाला पर वही शेड्यूल का शेड्यूल ड्राइव वाला सीन हो गया। ओके। उसमें कॉलेज मिला नहीं, तो फिर पता चला JMDI के बारे में। तो फिर मैंने फादर को बोला, मैंने कहा कोचिंग कर लेता हूँ, अगली बार फैब बैच के लिए कर लूँगा। फिर मैंने ट्राई किया। फिर मैम को कॉल किया, मैंने कहा मैम ऐसा सीन है, मेरा रैंक आ रखी है। मैम बोला कोई नहीं, आप ज्वाइन कर लो। उस टाइम पे इनफैक्ट मेरा ना सेकंड राउंड चल रहा है काउंसलिंग का। अच्छा। तो मैम ने बोला एक बार तुम सेकंड राउंड के लिए रुक जाओ, सेकंड राउंड का रिजल्ट आने दो, अगर नहीं होता है तब तुम कोचिंग आना। उसमें भी कहाँ हुआ, ऑफकोर्स क्योंकि जनरल कट ऑफ जा रहा था 2000 और मेरी रैंक थी अराउंड 4600, उसमें हुआ नहीं। फिर मैंने JMDI कोचिंग ज्वाइन करी, बहुत कुछ पता चला कैसे होता है, प्रोसीजर कैसे होता है, स्पेशली स्पॉन्सरशिप के बारे में, कौन कौन सी कंपनीज है, कौन सी नहीं है, क्या प्रोसीजर है उनका, मेडिकल के बारे में पता चला, IMCT के बारे में और अच्छे से पता चला। गुड। तो जैसा अभी आपने बोला कि मैम ने बोला कि सेकंड काउंसलिंग होने दो, अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो तब। ऐसा नहीं था ना जबरदस्ती हमने बोला कि नहीं एडमिशन ले ले भाई, क्योंकि हमें पता था कि आपने दो पेपर निकाल दिए, ऐसा कभी नहीं हुआ आपके साथ। सो लेट्स सी व्हाट वी से इज कि हम जनरली एडमिशंस के पीछे नहीं भागते, वी रन बिहाइंड क्वालिटी। मतलब क्वान्टिटी तो हर जगह मिलेगी बट क्वालिटी इज व्हाट वी ऑलवेज प्रेफर, राइट। सो एक साल आपने JMDI को दिया, एक साल JMDI ने आपको दिया, तो कुछ ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहोगे कि JMDI ने इम्प्रूव करी, मतलब लेट्स से कि आप दो या तीन बेस्ट चीज़ JMDI के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मेरे लिए तो पहला चीज़ कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस ऑल्दो था मेरे पे पर और बूस्टअप हुआ है कॉन्फिडेंस। सेकेंड नॉलेज जो मैंने आपको पहले बोल दिया। थर्ड पढ़ने का मेथड अलग हो गया, पहले मैं करता था एक सब्जेक्ट पे ही फोकस करता था। ओके। पहले फिजिक्स करी तो पूरे दिन में फिजिक्स कर रहा हूँ, केमिस्ट्री तो पूरे दिन में केमिस्ट्री कर रहा हूँ। अब क्या है, अब मैं डिवाइड कर देता हूँ, फिजिक्स फिर केमिस्ट्री फिर मैथ्स, एक दिन में तीनों चीज़ें हो जाती है। दैट्स रियली ग्रेट। एक चीज देहरादून के लोगों को आई गेस इतना अवेयर नहीं है अभी मर्चेंट नेवी के बारे में, मैंने नहीं देखा बिकॉज इतनी अवेयरनेस है नहीं यहाँ पे। तो जो लोग देहरादून से देख रहे हैं उन्हें क्या एक एडवाइस देना चाहोगे यार, एक क्योंकि मर्चेंट नेवी एक अच्छा करियर ऑप्शन है। यहाँ मैंने देखा सब IIT नीट JEE डॉक्टर यहाँ सब ऐसे भागते रहते हैं, या BTech कर ली, या ज़्यादा से ज़्यादा हम कहीं एक ऐसे कॉलेज चले जाएंगे जहाँ रैट रेस चल रही है तो हम सब वहीं चले जाएंगे। तो क्या एडवाइस देना चाहोगे जो देहरादून वालों को कि यार जिन्हें मर्चेंट नेवी करना है या JMDI ज्वाइन करना है जिन्हें? एक तो ये कि रैट रेस तो सही बोला आपने, स्पेशली मैं कॉलेज का नाम हुआ ग्राफिक वगैरह लिटरली हर कोई। और मैं अपने स्कूल में बताता हूँ, मैं मसूरी का पढ़ा हुआ, अच्छा पढ़ा हुआ, पूरे बचपन में मसूरी में गुजारा है, अभी रिसेंटली शिफ्ट हुआ था। मैं मेरे फादर ने भी यही बोला कि ग्राफिक वगैरह चल जा, मैं कहा ग्राफिक वगैरह नहीं जा रहा हूँ मैं हर अभी भी फादर यही बोल रहे हैं। इनफैक्ट मेरी मदर भी यही बोलती है सिलेक्शन के बाद भी लाइक माई मदर इज कि अभी क्या कर रहा है कि तू, इससे बड़े ग्राफिक वगैरह जाता। अब मेरा घर ऐसा नहीं था, मदर तो हाई, मदर का केयर लविंग नेचर होता थोड़ा जी जी। तो मदर ने बोला ग्राफिक वगैरह जाता, शाम को वापस आता, तेरे को खाना होना परोसा मिलता, कपड़े उपड़े तेरे को धुले हुए मिलते, इससे बड़े तो BTech कर लेता। कहा BTech तो मैं करूँगा ही नहीं, एक मतलब मेरे फादर ने तो फोर्स करा ना कि जा BTech कर, तू कहीं से भी कर वो BTech कर। मैं कहा देखो, फिर मैंने कहा मैं कुछ करूँगा ही नहीं, मैं बैठ जाऊँगा घर पर। फिर पापा एक दिन आपने बोला क्या करना है, मैंने कहा मैं तो कर रहा BTech। तो पापा ने मैंने बोला एक साल दे दो, एक साल में नहीं होता है तो मैं BTech करूँगा जहाँ से आप बोलोगे। मदर को मैंने सेम बोला, मैंने कहा एक साल दो, नहीं होगा तो ग्राफिक वगैरह से ही करूँगा। मैंने पूरी रगड़ा लगा दिया, मैंने कहा आपको करके रहूँगा। एट द एंड इनफैक्ट मैं बैंगलोर में दो बार आउट हुआ, अच्छा इंटरव्यू में दोनों बार मैंने एग्जाम लिया गया है, इंटरव्यू में दोनों बार बाहर मैथ्स के वजह से। तो जिसको भी बैंगलोर में पढ़ना है वो मैथ्स में ज़रा फोकस करो। सेकेंड फ्लीट में मेरे को डर था कि अगर नहीं हुआ तब, अब BTech करने का मन तो है नहीं, ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। मैं तो मैंने कहा जी जान लगा दी, मैं नहीं करके तो रहूँगा, क्लियर करा बस। एट द एंड फादर भी खुश मदर भी खुश। मेनली यही है कि अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, हर कोई BTech कर रहा है लिटरली हर कोई, ना तो जॉब है, अब तुम्हें पता है AI आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब खा रहा है। BTech करोगे तुम क्या कर लोगे, घर में बैठोगे आज ज़्यादा लिटरली, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, हर कोई BTech करके घर में बैठा है। या तो BTech वाला क्या कर रहा है, दुकान में बैठ जा रहा है। मेरा एक दोस्त है कह रहा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से BTech कर रहा है, वो करूँगा उसके बाद जॉब लगी तो लगी, नहीं तो दुकान है। ऑफकोर्स यही है, अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, रैट रेस के पीछे मत भागो। जो तुम्हें हर कोई बोला कि नहीं यार BTech अच्छा है, यहाँ से इस कॉलेज से BTech कर ले, जो तुम्हारा मन है वो करो, बेसिकली यही है। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना तो मर्चेंट नेवी करो, पर पहले ढूंढ लो, इन्फॉर्मेशन गैदर कर लो। मेरे जैसे मत रहना कि बस एग्जाम दिया और एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं, इन्फॉर्मेशन लेते रहना बस। गुड।
सो देखो दोस्तों, इन्होंने तो स्टैंड ले लिया अपने लिए, क्योंकि बिकॉज ऑब्वियसली बात है अल्टीमेट डिसीजन हमारे फैमिली या पेरेंट्स का होता है हमें क्या करना है अपने ट्वेल्थ के बाद, हमें अपना करियर ऑप्शन चुनना है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को भी कहीं से कहीं जब वो ऑफिस जाते हैं कहीं जाते हैं बैठते हैं तो उन्हें बस सुनते हैं कि मेरे बेटे ने तो ये कर लिया, मेरा बेटा तो बीटेक कर रहा है, तेरा बेटा क्या कर रहा है। सो अगर उन्होंने नहीं सुना होता मर्चेंटिंग के बारे में, अरे ये क्या फील्ड है यार, ऐसा क्या है इस फील्ड में, अनटिल एंड अनलेस जब आपको पूरी नॉलेज नहीं होगी इस फील्ड के बारे में, आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि इस फील्ड में और ज्यादा ग्रोथ के ऑप्शन है, इस फील्ड में स्टेबिलिटी है, इस फील्ड में अर्ली मतलब अर्ली ग्रोथ है, अर्ली मतलब हर चीज बिल्कुल मिला के ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन टेक होते हैं इस फील्ड में, है ना। लेकिन प्रायर नॉलेज के बिना, ऐसा नहीं कि आपने अंधाधुन देखा कि इस मर्चेंट में ज्वाइन करने बस कर लिया, लेकिन नहीं, आपको हर चीज की प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। प्लस फिर देन यू नीड टू टेल योर पेरेंट्स कि नहीं ऐसी कोई अकेडमी एग्जिस्ट करती है जो आपको थरली बताए। मतलब दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ा रहे होंगे, लेकिन आई एम नॉट सेइंग दैट JMDIE इज द बेस्ट, ये तो सब आप बच्चा बोल रहे हैं ना, क्योंकि हम बोलेंगे तो उनको लगेगा कि यार इनकी तो अकेडमी है, बट द वर्ड्स कमिंग फ्रॉम योर एंड वैल्यू मोर देन एनीथिंग एल्स, राइट। क्योंकि आपने आपने एक साल दिया है, आपने एक्सपीरियंस किया है हर चीज़ को यहाँ पे आके, आपने देखा है कि हाँ यार हमारे पढ़ाने का ढंग कैसा है, वी गिव यू दैट लाइफ स्टाइल विच एक्चुअली हैपन्स इन द शी एट द शिप व्हेन यू गो, तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। सो वो एक एडवाइस जाने से पहले एक एडवाइस दूंगा, पढ़ाई पे फोकस करो, इधर उधर की मस्ती मुस्ती छोड़ो। और किसी को भी अगर मैं एंग्लो में दोबारा आउट हो चुका हूँ, किसी को भी अगर एंग्लो का कुछ करना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर JMDIE से ले लेना, पोस्ट लेवल से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऑल्दो इस बार था मुझे कि एंग्लो में हो जाएगा, पर ऑफ कोर्स मैथ्स रहेगी, कोई बात नहीं, कीप ट्राइंग अंटिल यू गेट सक्सेसफुल, राइट। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।